हमीरपुर के नादौन में सत्यनारायण मंदिर कमेटी एवं श्री चैतन्य महाप्रभु गोड़िया मठ दंगड़े की ओर से 6 जुलाई से 12 जुलाई तक गीता भवन नादौन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए भक्ति प्रसाद गिरी महाराज ने बताया कि रोजाना प्रवचन दोपहर 2 बजे से लेकर साय 6 बजे तक होंगे। वही 12 जुलाई को दोपहर 12:15 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। राधे राधे, हरे कृष्ण। आपको ये जानकर बहुत हर्ष होगा, आनंद होगा कि भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा जो हर साल होती है, वो इस बार गांधी गेट हमीरपुर सत्यनारायण मंदिर हमीरपुर में मनाई जा रही है। जो कि कथा रथ यात्रा से पहले जो श्रीमद् भागवत कथा होती है वो 27 जून से लेकर 4 जुलाई तक होगी। 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा भव्य निकाली जाएगी, जो कि सत्यनारायण मंदिर हमीरपुर से लेकर शुरू होकर ए भोटा चौक, नदौन चौक, गांधी चौक और सब्जी मंडी होते हुए फिर टर्न मारेंगे बस स्टैंड नदौन चौक, मिल्कीराम पेट्रोल पंप होते हुए डाम वाली गली चढ़ते हुए हीरानगर होते हुए पक्का ब्रो होते हुए जगन्नाथ जी झिनारी रंगस होते हुए अपने निवास स्थान दंगड़ी मठ में धूमधाम से गाते बजाते हुए जाएंगे। इस प्रोग्राम की रूपरेखा ऐसी होगी कि 27 तारीख को सुबह 10 बजे कलश यात्रा होगी, जो कि कलश यात्रा में बहुत सारी माताएं कलश उठाते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के संदेश देंगे कि रथ यात्रा आने वाली है, सब लोग रेडी हो जाए। और भागवत की शुभारंभ 27 से होगी। कथा का टाइमिंग 2 बजे से सायं 6 बजे तक होगा, प्रतिदिन यही चलेगा। तो इसमें आप लोग सादर आमंत्रण रहे, सब लोग आए हर साल की भांति, इस साल भी बढ़ चढ़ के भाग लें। बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि रथ में विराजमान जगन्नाथ जी को बैठे हुए जो देखता है, लिखा ही है रथे तो वामनम विष्टा पुनर्जन्म विद्यते, जो भगवान जगन्नाथ को रथ में बैठे हुए देखता है उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, वो मुक्त हो जाता है। इसलिए इस रथ यात्रा में तो जरूर दर्शन करें ठाकुर जी के, अपने फूल धूप चढ़ाएं ठाकुर जी के पास, तो अपना मंगल करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।